हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। आज हम चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रा देखते हैं। चैप्टर नंबर 12 है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके हैं जी हम पढ़ेंगे आज शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस है और बोर्ड में भी हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सरसाइज से लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं इसका जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी 12.1, ठीक है। इसे मैं इधर राइट नहीं करूँगा, मैं इसे जस्ट इधर रीड करता हूँ, देन इसके आंसर को थोड़ा सा राइट करूँगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। इसके जो ब्रीफ आंसर्स हैं रिटर्न फॉर्म में, वो आपको किसी भी की बुक से, किसी आपको किसी नोट से, इंटरनेट से वो इजीली मिल जाएंगे और मिलते जुलते आंसर्स मिलेंगे, उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है। गौर से समझो, पोटेंशियल कांस्टेंट है यानी कि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। अच्छा, सबसे पहली चीज़ वो कह रहा है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। अगर आप गौर करें तो पोटेंशियल का फार्मूला है V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r, याद है 1/4πε0Q/r टॉपिक में पढ़ा था। ये फार्मूला है पोटेंशियल का, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो पोटेंशियल V1 है वही V2 है वही V है, मतलब कि ये हमारे पास कोई भी इलाका है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो जनाब साहब बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है। तो अब आपने बताना है कि इस इलाके में क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ ये होगी या नहीं होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट से। उसके मुताबिक हमारे पास आपने फार्मूला पढ़ा होगा जो ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर। ये क्वेश्चन आपने, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमारा पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज़ का जो चेंज होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है, या कांस्टेंट चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर मैं इसके अंदर पुट करूं E इज इक्वल टू माइनस, तो डेल वी का आंसर कितना है, ज़ीरो, क्योंकि वो खुद ही बता रहा है ना पोटेंशियल कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एनीथिंग, यानी कि जो हमारे पास आ रहा है। तो अगर आप इसका आंसर देखें तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डैट रीजन विल बी ज़ीरो, इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका आंसर इधर मैं आपको बता देता हूँ आपको, कि एज द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन डैट रीजन मीन्स कि पोटेंशियल इज नॉट चेंजिंग, देन द चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वेशन इफ वी पुट चेंज इज इक्वल टू ज़ीरो देन आंसर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन डैट रीजन आल्सो ज़ीरो। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 था। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.2, ज़रा इसे देखें। सपोज डैट, वो कहता है सपोज करें आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अच्छा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं और ये किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आ रही है, ठीक है, और हमने इन्हें फॉलो करना है कि इनकी डायरेक्शन में ही चलना है, यानी कि ये फील्ड लाइन्स है और ये आप हो, लेट्स सपोज ये रेड डॉट, और आपने इनकी डायरेक्शन में चलना है। अब आपने बताना है कि अगर आप इनकी डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल और यानी कि ये जो पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बढ़ेगी या कम होगी, ये ज़रा देखते हैं। इट मीन्स कि अगर ये इधर से आ रही हैं और इधर को जा रही हैं तो आपका पॉजिटिव चार्ज, हम सपोज कर लेते हैं ये एक चार्ज है और ये इस साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इस चार्ज से दूर होते जा रहे हैं। इट मीन्स जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर होते जा रहे हैं आपकी आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ई इज इक्वल टू, मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूँगा इधर, 1/4πε0Q/r2। तो अगर आप इस फार्मूले के अंदर देखें तो चार्ज कॉन्स्टेंट है और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली टू आर स्क्वायर, और अगर पोटेंशियल का फार्मूला वो इधर भी लिखा हुआ है, मैं इधर भी लिख देता हूँ 1/4πε0Q/r, तो इस केस में भी ये चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, तो V इन्वर्सली टू R, तो दोनों कंडीशन में R के बढ़ने से E कम होगा, लेकिन ये स्क्वायर के हिसाब से होगा और ये लीनियरली कम होगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल वो दोनों क्या होंगे,
फील्ड को फॉलो करने के साथ साथ कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, फील्ड को फॉलो करते जाओगे, इनकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू था। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर थ्री, 12.3। 12.3 कहता है हाउ यू कैन आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। सबसे पहले तो कैपेसिटर का टॉपिक आपने पढ़ा था। कैपेसिटर क्या है, कि हमें पता है कि ये कैपेसिटर दो मेटालिक प्लेट्स के दरमियान में बनता है। अच्छा, इसकी ज़रा मैं अच्छी सी डायग्राम बनाता हूँ इस तरह कि ये हम आपके पास दो मेटल प्लेट्स हैं और इनके दरमियान में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब वो हमें नज़र भी नहीं आती। अब मुझे नहीं पता ये कैपेसिटर चार्ज है और मुझे नहीं पता कि इसकी कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी पे नेगेटिव, क्योंकि जिस बंदे ने चार्ज किया उसने बताया नहीं कि पॉजिटिव बैटरी का उसने इस साइड पे कनेक्ट किया था इस साइड पे, तो कन्फ्यूजन है। अब वो बंदा पूछ रहा है आप बताएं भाई क्या है। तो इसके दो तीन हल हैं। एक तो इसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हो टेस्ट चार्ज से, ये भी बताता हूँ कैसे। टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट है, और आपको पता है जो क्यू नॉट है वो होता है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये मैं साथ साथ रिवाइज करवा दूँ आपको। दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, और तीसरा आपके पास है जी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपको नहीं पता होगा, ये भी आपको बता देता हूँ। टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको प्लेट नंबर, इनके नाम दे लेते हैं, ये प्लेट नंबर वन है और ये प्लेट टू, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी पॉजिटिव चार्ज है, यह बता दें। टेस्ट चार्ज को अगर मैं प्लेट वन की तरफ लेके आता हूँ और ये बजाय रिपेल होने के अट्रैक्ट होने लग जाती है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव। और जिस प्लेट इस पे अगर रिपेल हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, अगर इस पे रिपेल होगा तो ये पॉजिटिव। दूसरा है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है कि आपके पास इस तरह का एक जार होता है ऐसे करके, इसके अंदर नीचे दो इधर लीव्स लगे होते हैं गोल्ड के और इसके ऊपर एक ऐसे डिस्क होती है, तो आप इस दोनों प्लेट्स को इसके साथ टच करोगे, जिसके ऊपर आप टच करें और टच करने से ये नीचे वाली चीज़ एक्सटेंड हो जाए, लेकिन पहले ये चार्ज होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऑलरेडी एक चार्ज एक्जिस्ट कर रहा हो, पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली। अगर तो आप इसकी पॉजिटिव प्लेट को इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से लगाओगे और लीव्स का डिस्टेंस बढ़ जाए तो ये पॉजिटिव प्लेट है, और अगर ये नेगेटिव से लगाओगे और ये कम हो जाए तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और लास्ट वाला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है कि ऐसी हमारे पास डिवाइस होती है, इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव, और ये वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। और आपको पता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में वोल्टेज डिवेलप होती है, तो जब आप इन्हें लगाओ, अगर तो पॉजिटिव तार इसकी टर्मिनल इस कैपेसिटर की पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया और नेगेटिव नेगेटिव से, जो जो रीडिंग आएगी वोल्टेज की वो प्लस में आएगी, और अगर ऑपोजिट जुड़ गया तो नेगेटिव। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर प्लस में जुड़ा तो जो प्लस वाली साइड होगी रीडिंग पॉजिटिव आ रही है तो वो पॉजिटिव प्लेट होगी और दूसरी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, कोई इतनी खास इसमें साइंस नहीं है। आगे हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, वो कहता है कि आपने दो उसके अंदर दो पार्ट बना दिया। वो कहता है डिस्क्राइब दी फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस बिटवीन। वो कहता है कि आपने फोर्स और फोर्सेस बतानी है एक पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली, अगर आप उन्हें कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखें। और आगे की कहानी सुनो, अब पार्ट ए है। पार्ट ए क्या है कि दोनों प्लेट पे कैसा चार्ज है, सिमिलर। सिमिलर चार्ज मीन कि हम इधर कह लेते हैं कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन प्लेट्स के ऊपर दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे करके ये प्लेट्स हैं दोनों। ठीक है, तो इनके दरमियान में दोनों चूंकि सिमिलर चार्ज हैं तो आपस में इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दो सिमिलर चार्ज के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होती है, उसने कहा सर जीरो। तो फोर्स का फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। फोर्स कैलकुलेट करनी है, क्यू मीन यहाँ पर क्यू कौन है, इसके दरमियान में रखा हुआ आपका ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्यू नॉट है लेकिन ई कितना है, जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर वैसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लो कि ये इस पॉजिटिव, क्योंकि टेस्ट चार्ज होता है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ये इधर से धक्का देगा इधर से, तो दोनों का धक्का चूंकि सेम चार्ज है, दोनों का धक्का सेम है, बिल्कुल सेंटर में पड़ा है, वैल्यूज भी सेम है, तो ये किसी तरफ भी नहीं जाएगा बल्कि यहीं पर पड़ा रह गया, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। लेकिन अगर अब इसका ये पार्ट बी आपको बता रहा हूँ, पार्ट बी, इसको नेगेटिव कर दो दूसरी प्लेट को, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ऑपोजिट कर दो, क्या होगा, ये भाई साहब इसे धक्का देंगे और ये भाई साहब इसे अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले थी उसका कितना हो जाएगी, टू टाइम्स, तो टू इंटू ई, तो फोर्स जो थी
वो कितनी हो जाएगी न्यू फोर्स, ओरिजिनल फोर्स का 2 टाइम, यानी कि आप इस पर 2 गुना फोर्स लगेगी क्योंकि वो धक्का दे रहा है और वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। या आप ओवरऑल कह दोगे भाई इसके ऊपर फोर्स होगी और पहले फोर्स नहीं लगेगी, पहले नेट फोर्स 0 होगी लेकिन अब कुछ ना कुछ नेट फोर्स होगी क्योंकि दोनों तरफ से इसे सिमिलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, इनके आंसर आप किसी भी की बुक से देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करती, कट नहीं करती, क्यों? इसके लिए देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो वो ये कहता है कि क्या ये वाली फील्ड लाइन ऐसे निकल सकती है, यानी कि इस जगह पर एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, या किसी भी 2 चार्जेस के दरमियान में जो फील्ड लाइंस बनती हैं क्या वो क्रॉस कर सकती हैं, यानी कि इधर से कोई फील्ड लाइन निकले और वो ऐसे क्रॉस करके ऐसे आ जाए, यानी कि इस तरह फील्ड लाइन बन सकती हैं? तो इसका आंसर है नो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लेट्स सपोज इन्होंने इस पॉइंट ए पे एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करवाती हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वेक्टर क्वांटिटी हैज ओनली वन डायरेक्शन एट अ स्पेसिफिक प्लेस। तो इसकी इस जगह पर कोई बंदा बता सकता है किस डायरेक्शन में जा रही होगी? कोई भी नहीं बता सकता। उसने कहा सर ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है तो इस जगह पर इसकी 2 डायरेक्शंस बनेंगी जो कि फिजिकली वेक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये इसलिए कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। और अगर आप इधर से देखें तो इस जगह भी अगर आप बनाएं तो यहाँ पर भी 2 डायरेक्शन बनेगी, यहाँ पर भी, तो जो यहाँ पर भी फिजिबल नहीं है तो इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12.6, इसको देख लें। इफ़ द पॉइंट चार्ज ऑफ मास एम इज रिलीज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म ऐसी होती है कि जो जिसके अंदर फील्ड लाइंस के दरमियान में डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, जैसे कि ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके दरमियान में भी आपको ये फील्ड नज़र आ रही है, ये वाली, ये सारी फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, ये जो इनके सेंटर में जो 1-2 लाइंस होंगी ये यूनिफॉर्म होंगी, तो हमने इनको नहीं देना, तो इसलिए मैं इसे उड़ा देता हूँ एक बार के लिए, इग्नोर कर लेते हैं। हम कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके दरमियान में इसके अंदर हमने क्या छोड़ देना है, एक इसके अंदर हमने छोड़ दिया है एक चार्ज है, कोई भी चार्ज है क्यू, उसका मास एम है, तो क्या ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा? और इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड विद द फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन मीन यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता रहेगा ये फील्ड्स के डायरेक्शन में। तो अगर तो ये फील्ड हुई यूं तो ये क्या करेगा, ये पार्टिकल इधर आया तो ये यहाँ पर आकर अब आप देखोगे ये फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। लेट्स सपोज ये टेस्ट चार्ज है तो ये यूं ही मोशन बनाएगा, तो इसका मतलब है कर्व शेप बना रहा है। लेकिन अगर ये वाली फील्ड हुई तो इधर पड़ा है तो क्या ये इधर आएगा? नहीं, ये फील्ड की लाइन में डायरेक्ट सीधा जाएगा अगर ये फील्ड पॉजिटिव से आ रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। यस, तो इसका आंसर क्या बनेगा? यस, इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द फील्ड, जैसे फील्ड होगी वैसे इसकी मोशन शुरू होगी कर देगा ये। 12.7, इज इट नेसेसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार रबर बलून इफ द बलून इज स्फेरिकल अज्यूम दैट चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। जो गॉसियस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास कंडक्टिंग स्फेयर था, यहाँ पर क्या एक बलून है, ये गोल बलून है। अब आपको पता है अगर तो ये बलून मेटल का बना होता तो चार जो भी हम फेंकते इसकी सरफेस पे आता और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन चूंकि ये रबड़ का है और साथ उसने अज्यूम करने के लिए कह दिया कि चार्ज भी है और चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर है और परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्म वे में। ठीक है, तो यानी कि हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि ये वही मेटल कंडक्टर। अब आपने बताना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके लिए मैं लगाऊंगा गॉसियस लॉ। आसान सा, उसने कहा सर वो क्या है? मैंने कहा यार गॉसियस लॉ है, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 × Q। तो इसके अंदर हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस करेंगे जहाँ पर हमने फील्ड फाइंड करनी है, तो इसके अंदर मैंने गॉसियन सरफेस की। अब मैं चेक करूँगा गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, क्योंकि सर अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो सारा रबर बलून के बाहर है, तो अंदर चार्ज कितना है? 0। तो अगर ये 0 है तो फिर अंदर फ्लक्स कितना बना? 0। अगर फ्लक्स 0 बना तो हम फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। फील्ड के लिए फार्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल टू E·A, यही है। और यहाँ से आप देखें तो फ्लक्स किसके बराबर आ रहा है, तो E·A इसके बराबर आ जाएगा 0 के। एरिया तो इस स्फेयर का 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कंसिडर किया हुआ है, तो इसका मतलब है फिर क्या 0 है इसके अंदर?
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इट मीन्स के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दैट रबर बलून इज ज़ीरो। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपको कहिए कि इसको कैलकुलेट करोगे अकॉर्डिंग टू गोज़ीज़ लॉ और फिर आप बताओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रबर बलून के अंदर कितनी हो गई, होगी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये भी बड़ी बार आया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12.8 क्या कहता है, वो कहता है इज इट ट्रू दैट गोज़ीज़ लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। वो कहता है कि अगर ये हमारे पास कोई भी ऐसे सरफेस है, लेट्स सपोज स्फीयर है और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेंगी हर डायरेक्शन में फैलेंगी और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कहाँ पर होती हैं आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड जा रही है, ये ले हमें पता है ना ये, तो अब कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही होंगी, अब जहाँ से भी फील्ड लाइन गुजरेगी जिस जगह से भी वहाँ पर क्या बनेगा एक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गोज़ीज़ लॉ ने क्या कहा था कि ये फ्लक्स किसके बराबर होगा या जितनी भी फील्ड लाइन से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, गोज़ीज़ ने कहा था कि जो टोटल फ्लक्स है वो 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज बाई डैट सरफेस। तो अगर ये कोई भी रेड कलर की सरफेस जो मैंने बनाई है इसके अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है क्या चार्ज ज़्यादा करने से फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी, ऐसी बातें होंगी, तो फिर मीन के फील्ड लाइन्स की तादाद भी बढ़ जाएगी सेम, तो चार्ज ज़्यादा होने से जो फ्लक्स भी बनेगा और फ्लक्स ज़्यादा बनेगा तो उसका भी यहाँ पर भी वही मतलब बनता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या बनेगा इधर फ्लक्स बनेगा। इट मीन्स कि गोज़ीज़ लॉ की ये स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ गोज़ीज़ लॉ ने कहा था कि द टोटल फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाई डैट सरफेस। अब रही कहानी पॉजिटिव की, तो अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड लाइन अंदर होती, तो फिर इधर क्यू की जगह मैं क्या पुट कर देता माइनस, तो माइनस फ्लक्स का क्या मतलब होना था इनवर्ड फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब होना है आउटवर्ड। तो ये भी क्वेश्चन भी बड़ा आसान है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12.9, इसको पढ़ते हैं, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। ये बड़ा आसान है, लेट्स सपोज ये मेरे पास कैपेसिटर की प्लेट्स हैं या बैटरी है, इसके अंदर एक पोटेंशियल है जी, ये आपके सामने है जी नेगेटिव और एक है जी पॉजिटिव। बाई कन्वेंशन जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसको नाम दिया हुआ है हमने हाई पोटेंशियल का, ठीक है, और नेगेटिव को नाम दिया हुआ है जी हमने लो पोटेंशियल का, और पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होंगे यहाँ पर फील्ड लाइन्स, ये आप सबको पता है और काफ़ी ज़्यादा होंगी, तो यह मैं इधर थोड़ी सी बना देता हूँ। अब आपने बताना है कि अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में मैं एक इलेक्ट्रॉन को रखूँ, ये इलेक्ट्रॉन रख दिया जी, अब आप बताओ ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद यानी कि खुद ब खुद कौन से पोटेंशियल की तरफ या कौन सी प्लेट की तरफ या कौन से पोटेंशियल की तरफ जाना पसंद करेगा। आपने कहा सर ये नेगेटिव है, ये खुद ब खुद इधर से चलेगा और खुद ब खुद किधर आएगा पॉजिटिव की तरफ, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन विल टेंड टू गो टू अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल फ्रॉम कहाँ से लोअर पोटेंशियल, या कहीं से भी आ रहा होगा लेकिन वो जाएगा किधर हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से, कोई इसके अलावा कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।